क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी ये खत्म हुए कौन है आपको? मेरे पिताजी। क्या क्या मामला क्या हुआ था? पूरा मामला ये हुआ था कि 18 तारीख को मेरी दीदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो उन्होंने उनके फोन आए कि घर पे कौन कौन है, सबको क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो मैंने सबका नाम बता दिए। तो उसके एक हफ्ते बाद क्वारंटीन, ये कह रहे पापा को कोई दिक्कत नहीं थी ना कुछ ना कुछ, वो ये कह रहे थे बेटा मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी रिपोर्ट आया। उनकी रिपोर्ट 11:30 बजे आई, 25 तारीख को 11:30 बजे रात में रिपोर्ट आई कि उनकी पॉजिटिव आई और दादी की। तो उनको एडमिट कर लिया गया। तो सुबह मेरे पास फोन आया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, और हमारी 4 लोगों की फिर नेगेटिव रिपोर्ट आई कि घर पर फिर हमको डिस्चार्ज कर दिया। पापा का फोन आया कि बेटा हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने आराम से रहना। फिर वो होपलेस होते गए हैं। तो मैंने डॉक्टर से मैंने कहा कि ऐसा करो मैडम, उनको दवा दे दो, नींद की गोली दे दो, आराम से सो जाएंगे। क्या वो बाहर निकल रहे हैं? जब नर्वस कोई आदमी हो रहा है तो उसको नींद की गोली देनी चाहिए। उन्होंने वो बोल रहे कि रात में के सरियों से मारा है, कि मार लगा रहे बेटा, एक कमरे अलग में डाल दिया मुझे और मार लगा रहे हैं मुझे, कि मैं मर जाऊंगा ये कहते रहे। और मुझे लगता है 11:30 बजे फिर उनका फोन ही नहीं आया मेरे पास। 11:30 बजे के बाद में कोई फोन ही नहीं आया मेरे पास रात में। फिर उसके बाद में अमर उजाला में निकालती कि 11:30 बजे वो उनका क्या कहते हैं आगरा वाले, अमर उजाला में निकालती कि 11:30 बजे कोई आदमी ऐसे ऐसे सरिया पे हमला कर रहा है। किस पे हमला किया है? और पापा कह रहे हैं कि मुझको मारा है मुझे। क्या लगता है आपको? अब मुझे यही लगता है कि इन्होंने मारा है उनको। एक बात, कोरोना का पेशेंट हुआ तो इतनी जल्दी मर जाएगा क्या? 2 दिन में रिपोर्ट आके मर जाएगा? ना खांसी ना जुकाम ना कुछ आ रहा ना दर्द हो रहा कहीं पर। कोरोना का पेशेंट ऐसे मर जाएगा क्या बताइए आप? सर एक मरीज रात को हंगामा कर रहा था सर, उसकी डेथ हो गई, क्या पूरा मामला रहा? देखिए ऐसा है, 25 तारीख को रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास एक कोरोना पॉजिटिव रोगी श्री हरकेश जी आए थे। वो हमारे यहाँ इलाज उनका चल रहा था, कल अचानक वो थोड़ा सा परेशान हुए तो उन्होंने भागने का प्रयास किया था। फिर उन्हें समझा बुझा दिया गया था, फिर उनका इलाज शुरू हो गया था और इलाजरत थे, उनका इलाज हमारे चिकित्सक लोग कर रहे थे। आज प्रातः 6:20 पर उनका दुखद निधन हो गया है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं।